रीवा जिले की 5 शराब दुकानें एक दिन के लिए बंद। इन दुकानों पर 10,000 रुपए का जुर्माना भी कलेक्टर रीवा ने लगाया। कलेक्टर रीवा के इस फैसले से शराब व्यापारी दहशत में। रीवा जिले की 5 शराब दुकानें एक दिन के लिए बंद। इन दुकानों पर 10,000 रुपए का जुर्माना भी कलेक्टर रीवा ने लगाया। कलेक्टर रीवा के इस फैसले से शराब व्यापारी दहशत में। जी हाँ, कलेक्टर रीवा ने महंगे दामों पर शराब बेचने की वजह से 5 दुकानों को एक दिन के लिए बंद कर दिया। MRP से ज्यादा दाम में शराब बेचने पर रीवा जिले की 5 दुकानें एक दिन के लिए बंद। इन दुकानदारों पर 10,000 रुपए का अर्थदंड भी लगाया। रीवा जिले में शराब MRP से महंगे दामों पर बिक रही थी। इसकी सूचना लगातार जिला प्रशासन के कानों तक पहुँच रही थी। शिकायत भी कई लोगों ने की थी। आबकारी विभाग ने इन शिकायतों की जाँच की, दूसरे लोग को शराब बेच कर खरीदवाई, जिससे इस बात की पुष्टि हुई। रीवा जिले की कुछ दुकानों में शराब MRP से ज्यादा दामों में बिक रही है, जिसके चलते गंगेव, करहिया मंडी, रामनई, मऊगंज, सिरमौर नंबर 1 रीवा के निपनिया की दुकानों की जांच की गई। कुछ दुकानों में MRP से ज्यादा महंगे दामों पर खुलेआम शराब की बिक्री की जा रही थी, जिसके चलते आबकारी विभाग ने इस बात की जानकारी कलेक्टर रीवा को दी। कलेक्टर रीवा मनोज पुष्प ने रीवा जिले की 5 दुकानों पर जहां पर MRP से ज्यादा दामों पर शराब बेची जा रही थी, एक दिन दुकान बंद रखने का फरमान जारी कर दिया। साथ ही प्रत्येक दुकान पर 10,000 रुपए का अर्थदंड भी लगा दिया। कलेक्टर रीवा मनोज पुष्प साफ तौर से कहते हैं, शासन के दिशा निर्देश के अनुसार ही जिले में कोई काम संचालित किया जा सकता है। शासन के नियम न मानने पर नियम के अनुसार कार्रवाई होगी, जैसा कि इस मामले में किया गया है। रीवा जिले में शराब की दुकानों पर कार्रवाई इस तरीके की इसके पहले ही शायद कभी हुई है। अभी तक माना जाता था शराब व्यापारी जो चाहे वह करे, उसे बोलने वाला कोई नहीं, उसे टोकने वाला कोई नहीं। यहां तक कि अवैध शराब बेचने वालों पर भी उस तरीके की कार्रवाई नहीं होती थी अमूमन जैसा होना चाहिए। फिर भी कुछ इलाकों में पुलिस और आबकारी विभाग लगातार कार्रवाई करते रहते थे। निश्चित रूप से कलेक्टर रीवा मनोज पुष्प का यह फरमान अब कारी जगत में काफी चर्चा में है। आबकारी भी पूरा जगत इस फैसले से सकते में है। माना जा सकता है कलेक्टर रीवा का यह कदम शराब व्यापारियों पर नकेल तो लगाएगा ही, अवैध रूप से शराब बेचने वालों पर कड़ा संदेश लेकर जाएगा। साथ ही बहुत सारी शराब की दुकानों पर देखा गया है शासन का साफ तौर से नियम है कि आप प्राइस लिस्ट लगाइए, किसी भी शराब की दुकान में प्राइस लिस्ट नज़र नहीं आती। हालांकि सारे दुकानदारों ने प्राइस लिस्ट बनवा कर रखी है, जांच होने पर उसको बाहर टांग देते हैं, उसके बाद निकाल कर अंदर रख देते हैं। इस बात की जानकारी जब शासन तक पहुंची तो शासन ने कुछ लोगों को सक्रिय किया, उनको पैसे देकर शराब खरीदने भेजा। जब महंगे दामों पर शराब मिली तो इस बात की जानकारी कलेक्टर रीवा को दी गई। कलेक्टर रीवा ने तत्काल ही शराब की 5 दुकानों पर एक दिन की बंद की कार्रवाई कर दी, साथ ही 10,000 रुपए का जुर्माना कर दिया। आइए आपको सुनाते हैं कलेक्टर रीवा मनोज पुष्प ने इस मामले को लेकर क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। प्रावधानों के अंतर्गत शराब की जो दुकानें हैं उसका प्रबंधन करने के शासन के निर्देश हैं। MRP के उल्लंघन के केसेज आए थे और उसके अनुसार ये पाया गया था कि MRP का उल्लंघन इन दुकानों के द्वारा की गई थी। उन्हें नोटिस जारी किया गया था। नोटिस जारी करने के बाद इनका जवाब संतोषप्रद नहीं पाया गया तो एक दिन के लिए इनका लाइसेंस निलंबित किया गया है और सभी दुकानदारों पर 10,000 रुपये के हिसाब से जुर्माना भी लगाया गया है। निश्चित रूप से शासन के जो निर्देश हैं और जो नियम हैं उनके अनुरूप कार्रवाइयाँ होंगी। जो दुकानों का संचालन है वो नियम के अनुरूप होना चाहिए।